एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ इस शहर का, लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत एक मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को तैश आ गया और बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। बात आई गई हो गई। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी दोस्तों की। हंसी मजाक हो रहा था कि अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी पूरी तरह से उसे डांट रही थी। नवाब ने जोर से आवाज़ देकर पूछा, क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूँ? पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। नवाब की पगड़ी उछल गई, सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत तो उतार दी, लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, अब तुम यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ। बेगम बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर किसी बहाने से निमंत्रण दीजिए। नवाब ने फिर से सबको बुलाया, बैठक और मौज मस्ती के बहाने। सभी मित्रगण बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था कि फिर वही नवाब के बेटे के रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर रोज झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे, वो मान जाएगा, और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आ गई। पीछे नौकर खाने का सामान सर पर रख कर आ रहा था, हंडिया नीचे रखी और मेहमानों को भी देना शुरू किया अपने बेटे के साथ। सारे नवाब के दोस्त हैरान, जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसमें खजूर, पिस्ता, काजू बादाम, किशमिश, गिरी इत्यादि से मिलाकर बनाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि ये खिचड़ी है, नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे। नवाब की इज्जत को चार चांद लग गए। लोग नवाब की रईसी की बातें करने लगे। नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया मैं कि घर की औरत इज्जत बना भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। सृष्टि में ये सिद्धांत हर जगह लागू हो जाएगा। अहंकार युक्त जीवन में स्त्री जब चाहे हमारे अहंकार की इज्जत उतार सकती है, और नम्रता युक्त जीवन में इज्जत बना भी सकती है।